हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैंने कुछ समय पहले ही काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग की सीरीज़ चलाई है। इस पर काफ़ी समय से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, लेकिन आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। पहले आप वीडियो का प्रीव्यू देख लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो गाइस, प्रीव्यू तो आपने देख ही लिया है। आई होप आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो को कैसे एडिट करना है, आइए देखते हैं। तो गाइस, काइन मास्टर ओपन करने से पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसमें मुझे वीडियो एडिटिंग का इफेक्ट मिलेगा। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है बीटसिंग। यहाँ मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है और इंस्टॉल भी कर रखा है। ये एप्लीकेशन काइन मास्टर कॉरपोरेशन की है। मैं इसको यहीं से ओपन कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, देखिए लेफ्ट साइड में आपको एक इमेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे। आपको रैंडमली 6 से 7 फोटोज ऐड कर लेनी है। नेक्स्ट करेंगे। अब नीचे वाले पोर्शन को आगे को स्क्रॉल करेंगे। मैंने ये वाला इफेक्ट यूज किया है, स्वीट लाइज। अब देखिए आपको क्या करना है, राइट कॉर्नर में देखिए यहाँ पे काइन मास्टर का लोगो आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका काइन मास्टर एप्लीकेशन के अंदर जाएगा और एसेट स्टोर में चले जाएगा। वहाँ से आपको ये वाले इफेक्ट का डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको काइन मास्टर में आगे की प्रोसेस बताता हूँ। तो हम आगे काइन मास्टर एप्लीकेशन के अंदर, अब क्या करना है, क्रिएट न्यू में जाना है। अब इसका एक्सपेक्ट रेशियो है 16:9 क्योंकि मैं लैंडस्केप में इसको बना रहा हूँ। आप चाहे तो पोर्ट्रेट में भी बना सकते हैं, आपको जो सूटेबल लगेगा आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको लैंडस्केप में ही बना रहा हूँ। अपने वीडियोज़ और फोटोज़ को ऐड कर लेते हैं। वीडियोज़ और फोटोज़ तो ऐड कर लिए, अब ऑडियो भी ऐड कर लेते हैं। मैंने ऑडियो इस टाइप की ली है जिसमें बीट हो या बेस हो, आप भी उस टाइप से ऑडियो ले सकते हैं। मैं आपको खाली एक तरीका दिखा रहा हूँ कि आप कैसे, किस टाइप से आप सिंक कर सकते हैं फोटोज़ या वीडियोज़ को। ठीक है, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ ऑडियो फाइल को। देखिए थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाइट कलर के बीट या बेस सिग्नल हैं। आपको क्या करना है, इससे थोड़ा सा जस्ट पहले वीडियो को ट्रिम करना है। ठीक है, मैं ये वीडियो को ट्रिम करता हूँ और मैं ट्रिम करूँगा इसको राइट साइड को। ठीक हो गया। अब इस टाइप से ही थोड़ा सा मैं आगे जाऊँगा जहाँ से ये दोबारा बीट स्टार्ट होती है, इससे थोड़ा सा जस्ट पहले ये फोटोग्राफ को भी मैं इसको ट्रिम करूंगा राइट साइड को। ठीक हो गया, यही प्रोसेस फिर आगे करूंगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बीट 2 बार रिपीट हो रही है एक साथ, तो मैं इस फोटोग्राफ को यहीं से ही ट्रिम कर देता हूं राइट साइड को और एक और फोटोग्राफ मैं ऐड करूंगा यहां पे, इसको भी यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। अब देखिए वीडियो आ चुकी है, अब यहाँ पे दोबारा से बीट हो रही है स्टार्ट यहाँ से, तो मैं इसको यहाँ से दोबारा ट्रिम कर देता हूँ। तो यही सेम प्रोसेस मुझे आगे को करनी है, मैं फटाफट आगे को करता हूँ।
तो गाइज मैंने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को बीट के अकॉर्डिंग सेट कर लिया है। हो सकता है मेरी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ आगे पीछे हों, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप अपनी वीडियो बनाएंगे तो आप उसको खुद अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बस आपको एडिट करने का तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट क्लिप पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिप ग्राफिक आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पे फिल्म प्रोजेक्टर, ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक हो गया, इसको मैं यहाँ से जो टेक्स्ट है इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे स्पेस मार के एक बार ओके कर देना है। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, लेयर पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे बीट सिंक। अब जो ये नीचे वाली जो येलो बार है, टेक्स्ट वाली फाइल है, इसको मैं जहाँ पे फर्स्ट वाली क्लिप ख़त्म हो रही है इसको यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। ठीक हो गया, अब सेकंड वाली फाइल है, सेकंड वाली फाइल पे क्लिक करेंगे, जो इमेज है इसमें यहाँ पे जाएंगे क्लिप ग्राफिक में। ये देखिए स्वीट लाइस करके जो मैंने आपको एप्लीकेशन के थ्रू बताया था, ये बीट सिंक के थ्रू ही आया है। यहाँ पे ये इस टाइप से यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, यहाँ से आप कोई सा भी ग्राफिक सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये ले लेता हूँ। ठीक हो गया, अब देखिए जो नेक्स्ट वाली जो दो इमेज हैं वो एक साथ बीट के साथ आ रही हैं, तो मैं इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं डालूंगा। नेक्स्ट मेरी वीडियो है, वीडियो में मैं दोबारा से क्लिक करूंगा, क्लिप ग्राफिक में जाऊंगा और इसमें इसको स्वीट लाइस में जाके एक कोई सा भी इफेक्ट दे दूंगा रैंडम। आप अपने हिसाब से कोई भी सेट कर सकते हैं, वही प्रोसेस करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इमेज है, नेक्स्ट इमेज में भी मैं क्लिप ग्राफिक में जाऊंगा और यहां से स्वीट लाइस में जाके कोई सा भी इफेक्ट चूज़ कर लूंगा। फिर उसके बाद दो इमेजेस सेम बीट पे आ रही हैं, तो मैं इसमें कोई इफेक्ट नहीं डालूंगा। फिर इसके बाद वीडियो आएगी, यही सेम प्रोसेस करनी है। ठीक है, हमारी वीडियो बनके तैयार है, ये बात देख लेते हैं। ठीक है, आप इसका प्रीव्यू एक बार फिर से देख लीजिए। अब यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं, टॉप राइट कॉर्नर में एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप इसको वीडियो को सेव कर सकते हैं अपने डिवाइस पे। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।